नमस्कार, स्वागत है आपका आस्था फिल्म्स पर। दोस्तों, फिल्मी सितारों की दौलत, शोहरत और करोड़ों फैंस की दीवानगी को देखकर हर किसी व्यक्ति के मन में एक बार ये विचार जरूर आता है, काश ये दौलत और शोहरत मेरे पास भी होती। लेकिन क्या आप जानते हैं इस अपार शोहरत के पीछे सालों की कड़ी मेहनत और संघर्ष छिपा होता है। खैर, आज हम किसी कलाकार के संघर्ष की कहानी तो नहीं जानेंगे, लेकिन हाँ, आज के इस छोटे से वीडियो में एक किस्सा शेयर करेंगे। जब अमिताभ बच्चन साहब ने कई महीनों से बिस्तर पर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही बच्ची को बचाया। ये बात उस समय की है जब अमिताभ बच्चन साहब की फिल्मों से एक अच्छी पहचान बन चुकी थी। उसी समय ये मद्रास, जो कि आज के समय में चेन्नई के नाम से जाना जाता है, वहीं किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। जब अमिताभ बच्चन साहब शूटिंग खत्म करके होटल पहुंचे तो एक व्यक्ति ने अमिताभ बच्चन जी से मिलने की इच्छा जाहिर की। फिर क्या था, उस व्यक्ति को अमिताभ बच्चन जी से मिलवाया गया तो उस व्यक्ति ने कहा, मैं आपसे बहुत ही इमरजेंसी में मिलने के लिए आया हूँ, और कहने लगा कि एक बच्ची हॉस्पिटल में कई दिनों से बीमार है, वो आपसे मिलना चाहती है क्योंकि वो आपकी बहुत बड़ी फैन है। मैं चाहता हूँ कि आप अपना कुछ समय निकाल कर हॉस्पिटल में जाकर उससे मिले, क्योंकि उस बच्ची ने आपसे मिलने की बहुत ज्यादा इच्छा जाहिर की है। खैर, बात अमिताभ बच्चन जी ने सुन ली, लेकिन बच्चन साहब अब जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि एक सुपरस्टार के पास ऐसे कई लोग आते रहते हैं, लेकिन जब वो व्यक्ति लगातार कई दिनों तक बच्चन साहब के पास जाता रहा तो बच्चन साहब उस बीमार बच्ची से मिलने हॉस्पिटल पहुंच गए। जब बच्चन साहब उस बच्ची से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे तो पता चला कि उसकी रीढ़ की हड्डी का कुछ ही दिनों पहले ऑपरेशन हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं था। इसी वजह से उसे काफी दिनों तक बेड पर ही रहना पड़ रहा था। हॉस्पिटल जाकर अमिताभ बच्चन जी ने उसके पास बैठकर कुछ बातें की और कहा कि आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। और इस तरह से अमिताभ बच्चन साहब अपना कुछ समय उस बच्ची को देकर फिर से होटल पहुंच गए। अगले ही दिन बच्चन साहब के पास एक डॉक्टर का फोन जाता है और वो कहता है कि आपने कुछ ही मिनट देकर जो कमाल कर दिखाया है वो हम पिछले एक डेढ़ महीने से भी नहीं कर पा रहे थे, यानी कि उस बच्ची की तबीयत में काफी तेजी से सुधार होने लगा था। डॉक्टर की ये बात सुनकर अमिताभ बच्चन साहब ने खुशी महसूस की और सोचा, आज मेरे सिर्फ जाने से एक बच्ची की जान बच गई। अगर उस व्यक्ति की बात मानकर मैं पहले चला गया होता तो शायद वो बच्ची अब तक पूरी तरह से ठीक हो चुकी होती। शायद ये बात सुनकर आपको हैरानी भी हो सकती है, लेकिन आपको बता दें, इस बात का खुलासा खुद बच्चन साहब ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा अमिताभ बच्चन जी की लाइफ से जुड़ा हुआ ये रोचक किस्सा, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि बॉलीवुड के इंटरेस्टिंग जानकारी के वीडियोज आपको देखने को मिलते रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।